नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचकर आपके दिमाग में इन दिनों कौन सी बात दौड़ती है? अगर सकारात्मक लहजे में सोचे तो मनोरंजन का जरिया और आर्ट एंड कल्चर का गढ़, वहीं नकारात्मक लहजे में सोचे तो नेपोटिज्म का अड्डा, बॉलीवुड माफियों की दुकान समेत अनगिनत नकारात्मक विचार। इन सबसे ऊपर फिल्म इंडस्ट्री इस बात से भी चर्चा में है कि जिन कलाकारों को बड़े पर्दे पर हम युवाओं के रोल मॉडल और इंस्पिरेशन मानते हैं, वे शराब, कोकीन, गांजा, मरीजुआना, LSD और हसीस जैसे मादक पदार्थों के शौकीन हैं। हर किसी की जुबान पर यह बात है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स और नशे में चूर है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ड्रग्स लेने के चलते बदनामी झेल चुके हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही सेलेब्स पर। संजय दत्त। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नायक से लेकर खलनायक तक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता संजय दत्त नशे की लत के काफी आदी रह चुके हैं। ये लगभग 12 सालों तक नशे की लत में चूर रहे हैं, जिसके चलते इनके पिता ने इन्हें नशे से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका भेज दिया था, जिसके बाद अभिनेता संजय दत्त की नशे की आदत पहले से काफी कम हो गई थी। हालांकि अभी भी कई बार इन्हें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए स्पॉट किया जाता है। रणबीर कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूने वाले अभिनेता रणबीर कपूर न सिर्फ एक स्मोकर रह चुके हैं, बल्कि यह स्पॉट स्मोक भी करते हैं। फिल्म रॉकस्टार में अपनी भूमिका को और भी ज्यादा निखारने तथा किरदार को हूबहू पेश करने में इन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था और इसी दौरान उन्हें स्पॉट स्मोक की लत लग गई थी। गीतांजलि नागपाल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों की तरह नशे की लत ने अभिनेत्री गीतांजलि के करियर को भी पूरी तरह से डुबा दिया था। गीतांजलि 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन नशे की लत ने उन्हें इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया था कि उन्हें कई बार पब्लिक प्लेस पर भीख मांगते हुए भी स्पॉट किया गया था। हनी सिंह। नशे की चपेट में आने से फेमस सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह ने दौलत के साथ साथ अपनी शोहरत भी गंवा दी। इस बात को खुद कबूल करते हुए हनी सिंह ने कहा कि मैं बाइपोलर रोग से पीड़ित था और शराब खूब पिया करता था, जिसके कारण मेरी स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन फिलहाल योयो हनी सिंह ने अपनी इस बुरी आदत पर काबू पा लिया है। प्रतीक बब्बर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने संजय दत्त की ही तरह अपनी ड्रग की लत के बारे में दुनिया को बताया। अभिनेता ने कबूल किया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग लेना शुरू कर दिया था। हालांकि इन्होंने नशे की लत से जमकर लड़ाई लड़ी और अपने जीवन में दोबारा आगे बढ़े। ड्रग से तबाह होने वाली कई बड़ी हस्तियां हैं। नशे की लत ने कई घरों को तबाह किया है। आज के दिन हम आपसे अपील करते हैं कि नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।